श्योरपुर पुलिस ने निकाला गुंडों का शहर में जुलूस। श्योरपुर की सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने माड़क प्लाजा में दिन दहाड़े नकाब पहनकर मोबाइल शॉप में घुसकर दुकान के कर्मचारी पर लाठी डंडों से हमला करते हुए दुकान में तोड़फोड़ की वारदात करने वाले सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए सभी आरोपी कोतवाली थाना इलाके के रहने वाले बताए गए हैं, जिन्होंने पुरानी रंजिश के चलते मोबाइल दुकान में घुसकर मोबाइल शॉप में काम करने वाले युवक पर लाठी डंडों से हमला किया था और घटना के बाद मौके से भाग निकले थे। आरोपियों की पूरी घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सभी आधा दर्जन आरोपियों की पहचान करते हुए गिरफ्तार किया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जिले में अपराध और अपराधियों पर लगाम कसते हुए श्योपुर पुलिस ने शहर की जनता को उनकी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रहने के लिए मोबाइल दुकान में घुसकर खुलेआम गुंडागर्दी और दहशत फैलाने वाले सभी 6 आरोपियों का कोतवाली थाना पुलिस ने शहर की सड़कों पर पैदल घूमते हुए जुलूस निकाला। तो वहीं आरोपियों को शहर के बाजार में घूमते हुए पुलिस ने असामाजिक तत्वों और अपराधियों को पुलिसिया कार्रवाई का संदेश देते हुए शहर में असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की खास रिपोर्ट। ये 8 मई की घटना है। माड़क प्लाजा में एक दुकान स्थित है जो मोबाइल शॉप थी, उसे कर्मचारी के साथ 5-6 लड़कियों द्वारा मुंह पे नकाब बांध के उधर तोड़फोड़ और मारपीट की गई उसके साथ, और एक दहशत का माहौल निर्मित करने की कोशिश की गई है। उनको आज पकड़ा गया है और उनको पकड़ के आज न्यायालय पेश किया गया है। और ऐसे तत्वों के खिलाफ जो असामाजिक तत्व हैं, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो गुंडा विरोधी अभियान चल रहा है ज़िले में, उसको लेकर ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।